हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने सर जी आपके अपने चैनल सर जी के साथ हाजिर हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सम कैलकुलेट करने के शॉर्टकट कीज सीखेंगे। शॉर्टकट कीज टू कैलकुलेट सम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप एक सैंपल डेटा देख सकते हैं, मतलब मेरे पास कुछ सेल्स हैं, कुछ नंबर्स हैं जो कि फर्स्ट मंथ की लिस्ट आ गई, सेकंड मंथ की, थर्ड मंथ की, फोर्थ मंथ की, फिफ्थ मंथ की। अब हम दो तरह के टोटल देखेंगे, एक टोटल यहाँ पे हमें मिल जाएगा और एक यहाँ पे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना एक कॉलम का सम कैलकुलेट करेंगे फार्मूला को यूज़ करके, यानी फर्स्ट कॉलम का, यानी फर्स्ट कॉलम का डेटा आप जो है उसका सम कैलकुलेट कर लें। ये देखिए हमारे पास सम आ गया। अब फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, सिंपल अपने डेटा को सिलेक्ट करना है। डेटा को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, आर्ट इज इक्वल टू। देखिए आर्ट इज इक्वल टू करते ही मेरे पास ये देखें यहाँ पर टोटल सम आ गया। एक सम तो ये आ गया, फिर एक सम ये आ गया, और इन सब का टोटल जो है वो यहाँ पर हमें मिल गया। क्या तरीका था फ्रेंड्स, दोबारा से देख लें। सबसे पहले आपने एक कॉलम का सम कैलकुलेट करना है, उसके बाद डेटा को सिलेक्ट करना है। याद रखें, सीरियल नंबर्स वाले डेटा को सिलेक्ट ना करें। और उसके बाद आल्ट इज इक्वल टू, तो ये देखें हमें सम मिल गया। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने सीख लिया होगा कि कौन सी शॉर्टकट कीज़ हैं जिनकी मदद से हम एक्सेल के अंदर सम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।